मैं पोस्चर हवाले से, पोस्चर केयर के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनको नेक पेन होती है, शोल्डर पेन होती है, तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, और आप घर पे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसका हम डेमो देखेंगे। जी बिल्कुल, चले हम उससे चलते हैं। आप डेमो दिखाए हमें, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें ताकि हमारे देखने वालों को आइडिया भी हो जाए। ये हमारे पास एक पेशेंट थे जो हमारे पास आए, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से ये था कि इनको नेक पेन होता था। तो फिर हमने जो है इनको कुछ ट्रीटमेंट किया, उसमें हमने एक टेक्निक है जिसको हम मूलिगन कंसेप्ट बोलते हैं, और उसमें नेक्स और नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स, तो वो हमने इनको अप्लाई की थी, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज थी जो इनको घर पर करने के लिए कहा था, तो उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तक बेहतर है, तो आज वही हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बेहतर घूम लें। बेसिकली नेक्स जो है वो थेरेपिस्ट जो है उसने खुद से करनी है, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो पेशेंट खुद से करेगा। ठीक है, तो मैं इनको जो है इनको सपोर्ट करके प्रॉपर, तो उनको हम हर वर्टिब्रा को जो है प्रॉपर ऑसिलेटरी ग्लाइड्स उनको देते हैं, जिसकी वजह से ये है कि जब हम ग्लाइड्स देते हैं वर्टिब्रास को, तो जो उनकी स्टिफनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, तो हम वो करवाते हैं, ये पेशेंट खुद भी कर सकता है। तो आपने मेरे हाथ पे जोर लगाना है, ये पीछे की तरफ जोर लगाएंगे और 5 सेकंड्स को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, और इसको 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, 10 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली आगे की तरफ जोर लगाएंगे और अपना 50% एफर्ट का जोर लगा सकते हैं, आगे की तरफ जोर लगाएं और ये 5 सेकंड जो है इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, और इसको भी 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली साइड पर यहाँ पे भी 5 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। Then, इसे नेक के जो नेक के जो स्मॉल मसल्स हैं उनकी बेसिकली स्ट्रेंथ अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पेन है, जो वीकनेस की वजह से डिवेल्प हो रहा है, क्योंकि सारे दिन आप बैठे मोबाइल फोन नीचे यूज कर रहे हैं, आपके बैक के मसल्स वीक होते जा रहे हैं, तो हम ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और तो ये घर पर आप कर सकते हैं, बिल्कुल पेशेंट खुद भी कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर खुद से भी ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ये कर सकता है। तो ये करते रहेंगे कम से कम 15-20 दिन ये करेंगे, तो इनकी नेक पेन जो है मैनेज हो जाएगी, और इसके बाद ये करते रहें, क्योंकि आप, मैं ये नहीं कह सकता कि जो लोग कंप्यूटर पे काम करें अपनी जॉब छोड़ दें, आप मोबाइल फोन पे काम करें काम बंद कर दें, तो आपने काम करते रहें अपना, लेकिन अपना पोस्चर ख्याल रखें। ठीक है, और सामने मोबाइल फोन सामने रख के यूज करें, कंप्यूटर सामने रख के यूज करें, और ये वाली एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ लोगों के बैठने का अंदाज जैसे वो झुक कर या कंधों को ऐसे करके कहते हैं, वो एक प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें भी दर्द है, उसके लिए क्या आप? अब बेसिकली वो उसके लिए होती है पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस। अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर यूजर के एग्जांपल लेते हैं, वो यूं बैठ के काम करते हैं, ठीक है, और राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, तो होता ही है। उसके लिए हमने दो एक्सरसाइजेज हैं कि उनसे हम कहते हैं आपने हर घंटे के बाद ना अपनी एक्सरसाइज एक मिनट के लिए करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोनों अपने जो बाजू हैं पीछे की तरफ लेके जाने हैं, 5 सेकंड होल्ड करना है और 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो फिर हम 90 डिग्री पे रखकर आपने बाजू को पीछे लेके जाना है और इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है, उसके बाद आप दोबारा अपना काम करते रहें। उस घंटे के बाद जो साइकिल ब्रेक करना है, हाँ, अपना साइकिल ब्रेक, मतलब जो आप एक ही पोजीशन में बैठे हैं उसको थोड़ा ब्रेक, उसको ब्रेक करना है और उसको रिट्रैक्शन करनी है, क्योंकि असल में कोई भी हम ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम यूं रख के काम करते हो, तो यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं क्योंकि आप बैठे ऐसे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये है कि आपने हर घंटे के बाद अपना पोस्चर चेंज करना है और इरेक्ट होकर बैठना, सीधा होकर बैठना, सीधा हो जब आप यूं बैठे थोड़ी देर सीधा हो जाए हो तो ये जो है ना आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आपको चाहिए कि आप एक फिजिकल थेरेपी से कंसल्ट करें, वो आपका सेशन लें और उसके बाद आपको होम प्लानिंग के लिए एक्सरसाइजेस बता दें।